खाना का ऐसा है कि फ़िलहाल आप जितना कम खाना दे उतना बेटर रहेगा। ये लोग कम ही खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं। अगर बाहर से भी फीड देते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं। अभी आप अपने मछलियों को पहचानें कि वो कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं भोजन को, उसके अनुसार ही खाना दें। हाय फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा छोटा सा तालाब है जिसमें मैंने 1000 ग्रास कार्प डाल रखा है। ग्रास कार्प और कॉमन कार्प दोनों मिलाकर 1000 पीसेस हैं, और कॉमन कार्प करीब इसमें 200 होंगे, 200 से 250, बाकी ग्रास कार्प ही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पहले मैंने जो किनारा है इसका, जो भी मेड़ है, उस पर मैंने पहले ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो भी होता है उसे ग्रो किया। या फिर आप घास को देख सकते हैं, हर तरफ मैंने घास को पहले ग्रो किया, उसके बाद इसमें पानी डाला हूँ। और पानी डालने के बाद आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से फेंसिंग किया हुआ है, किस तरह से चारों तरफ घेराव किया हुआ, ताकि मेंढक वगैरह, सांप वगैरह जो मछलियों को नुकसान पहुँचा सके वे सब इसमें इंटर ना कर सके। तो ये छोटा सा तालाब है, एक्चुअली ये मेरा लक्ष्य है इंटीग्रेटिंग फार्मिंग का, समेकित कृषि में करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने सब कुछ डेवलप कर रखा है। पीछे आप देख सकते हैं कि बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म भी है, तो इसका वीडियो मैं बाद में बनाऊँगा। डेयरी फार्म भी मेरे पास है छोटा सा, और जिसमें 4 गायें हैं, और बर्मी कंपोस्ट का भी मैंने बेड बना रखा है, और पपाया फार्मिंग करता हूँ। तो इस तरह से 8 कट्ठे का जो फील्ड है उसमें हर चीज़ मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं कित किसी को देखते हुए। तो ये इसलिए ये छोटा सा ही तालाब मैंने रखा है। मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं होता है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, और वहाँ पर जो भी समय मुझे मिल पाता है उसके बाद मैं ये सब कर लेता हूँ। तो आप देख सकते किस तरह से पानी इसमें गिर रहा है, ताकि इसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल सके। हालांकि इसका आउटलेट मैंने अभी नहीं बनाया है, बाय मोटर में इसका आउटलेट लगाने वाला हूँ। मोटर फिट करके इसमें से जो कम से कम 30-40% वाटर निकालूंगा, और उसी से सिंचाई करने वाला हूँ अपने फील्ड का। और जो फ्रेश वाटर आप देख रहे हैं ये इसमें गिरते जाएगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं कुछ ग्रास कार्प खरीद रहा था, तो मैंने सोचा आपको अपना फील्ड भी दिखा दूं, और कितने मछलियों के बच्चे को मैंने इसमें डाला है वो भी बता दूं। तो ये करीब 1000 स्क्वायर फीट है एरिया, ऐसे मैंने 1000 मछलियाँ डाल रखी है, जिसमें से 200-250 कॉमन कार्प है, बाकी सारा ग्रास कार्प है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इन्हें खाने के लिए कुछ दे नहीं रहा हूँ, मुश्किल से 10-12 दिन हो रहे होंगे इसमें डाले हुए। तो वही धान का जो कोढ़ा होता है जिसे भूसी हम लोग कहते हैं, और जो खल्ली होता है सरसों का, उसको मिलाकर कुछ मुर्गियों का जो अंडे होते हैं उनको भी थोड़ा सा उसमें मिक्स करके मैं इन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अभी बाहर का खाना मैंने कुछ नहीं दिया है, तो बाद में दिखाऊंगा इसका अपडेट भी कि किस तरह से मैं इन लोग को फीड कर रहा हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो है, बाद में आपको इसका अपडेट देते रहूँगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।